फतेहपुर जिले के व्यापारियों में इस बात को लेकर मलाल है कि खागात कस्बे के सभी व्यापारी जिला अधिकारी की गाइडलाइन का पालन कर रहे हैं और वही फतेहपुर जिले में रविवार को मार्केट खुला रहती है, बिन की भी खुला रहती है। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और खागा कस्बे में भी कुछ दुकान मालिक बाहर बैठे रहते हैं और ग्राहकों को दुकान के अंदर कर दुकानदारी करते हैं, इस बात से भी व्यापारी नाराज हो रहे हैं। आइए सुने व्यापार मंडल अध्यक्ष प्रकाश पांडेय और व्यापारियों की जुबानी क्या कहते हैं। एमपी यूजकास्ट ब्यूरो संजय पटेल, कैमरामैन सुमित के सरवानी, अजय मौर्य की कवरेज फतेहपुर से। हम क्या कहेंगे भाई साहब, हम बंदी के विषय में क्या कहेंगे? तो हम छोटे व्यापारी हैं, हमारी मिष्ठान की दुकान है, हम प्रशासन का पूरा सहयोग कर रहे हैं, मिठाई की दुकानें हमारी बंद रहती हैं, मगर तमाम ऐसी दुकानें हैं जो गलियों में हैं और जहां पर प्रशासन बहुत कम पहुंचता है और दूर दराज की दुकानें हैं वो बराबर खुली रहती हैं, उस पर प्रशासन कोई सख्ती नहीं दिखाता। और ऐसी कई दुकानें हैं जिनका कोई समय कोई बंदेज ही नहीं है, वो चाहे सुबह खोल देते हैं, शाम को खोल देते हैं, दोपहर में खोले रहते हैं, टाइमिंग का कोई वही नहीं है। दुकान है, हम ये चाह रहे हैं कि जनपद में जो बंदी का जो रविवार का शेड्यूल है वो जनपद खुला है और तहसील हमारी खागा ये बंद रहती है, तो ऐसा भेदभाव ना हो, बस हमारे यही प्रशासन से अपेक्षा है ऐसा भेदभावपूर्ण रवैया ना अपना। बंदी के विषय में आप कुछ बताएंगे भाई साहब? भाई कपड़े की भी दुकान खुलवाई जाए ना, कपड़े दुकानें बंद रहती है, बाकी जो लोग दुकान खोल के दुकान बेच लेते हैं, हम लोग बड़ा नुकसान होता है, हम कपड़े के व्यापारी हैं, हमारा